अरे सवारी वाली है यात्रा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए दर्दनाक बस हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के फिनहरा गांव के एक ही परिवार के 6 लोग की मौत हुई है। इसके बाद गांव में चारों तरफ मातम का माहौल है। एक ही परिवार के मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इलियास, मुनचुन खातून, कमरुल नेसा, सोहेल समेत 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका उन्नाव के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी फिनहरा गांव के पूर्वी टोला के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले सभी लोग बकरीद में दिल्ली से घर आए थे, सभी ने कुर्बानी भी दी थी और गांव में एक नया घर भी बनवाया था, लेकिन आज दिल्ली जाते हुए उन्नाव में बस हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सभी की मौत हो गई। आपने बात किया सुबह, हम जब फजर का नमाज पढ़ के आए हैं तो गांव में पता चला है कि भाई बस एक्सीडेंट हो गया है जो आगरा के आसपास में हुआ है, और उसमें ये पता चला है कि हमारे नसरुल्लाह चाचा के लड़का है, चाचा लगेंगे हमको, उनका लड़का फूल मोहम्मद है जो कल ये दिल्ली के लिए यहाँ से गए थे। तो ये मालूम हुआ, वो सुबह में बात किए अपने पत्नी से, बीवी से बात किए तो पता ये चला है कि वो बताया है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। काफ़ी घबराहट के साथ वो बताया है कि हमको बचाओ, कि मेरा पैर दोनों जो है काफ़ी डैमेज हो गया है। कौन जगह है? उसके यही जोर बारा गांव है, वार्ड नंबर 6 है, नसरुल्लाह साहब के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल्लाह है, जोर बारा का स्थानीय निवासी हूँ। दूसरा जगह है। मेरा नाम सो